चलिए सो एक कॉन्सेप्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए यूएससीएमए के जब सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स फॉरेन एक्सचेंज को पढ़ते हैं तो एक कॉन्सेप्ट बार बार आता है, डायरेक्ट कोड वर्सेस इनडायरेक्ट कोड। तो पहले थ्योरी पढ़ने से पहले इसका एक छोटा सा है ना प्रैक्टिकली समझते हैं। चलिए तो हम सीधे बोर्ड पे आते हैं। अब सपोज दैट एक पर्सन है तो हमें डायरेक्ट कोड और इनडायरेक्ट कोड जो है ना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना पड़ेगा। आज के इस लेक्चर में मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें समझाने वाला हूं, बड़े ध्यान से आपने चीजों को समझना। मैंने एक तरफ लिखा इंपोर्ट और एक तरफ लिखा एक्सपोर्ट। आप सोचिए अगर आप एक इंपोर्टर हैं, मैं थोड़ा सा इंडियन स्टूडेंट को इंडियन टेरिटरी के अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश करूंगा। मान के चलिए आप यूएसए में गुड्स सेल करते हैं, कहाँ सेल करते हैं सर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में गुड्स सेल करते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज का जो इशू है ना ये उस कंडीशन में अराइज होता है जब आपने जो इनवॉइसिंग है, जो आपने बिल बनाया है ना, वह फॉरेन करेंसी में, या तो आपने माल बेचा है तो बिल बनाया होगा तो फॉरेन करेंसी में, या अगर आपने कोई गुड्स खरीदा है तो वो भी आपने क्या करा है फॉरेन करेंसी में खरीदा है, मतलब बिलिंग जो है वो फॉरेन करेंसी की इनवॉइस में। तो जैसे मान के चलिए आपने इंपोर्ट किया, मतलब आपने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से माल खरीदा होगा सर, बेचा नहीं होगा, क्या होगा खरीदा होगा। सर लेट्स से हमने $10,000 का गुड्स खरीदा है, कितने डॉलर का सर, $10,000 का गुड्स बाय किए, और ये कौन सी डेट को बाय किया इसको समझते हैं। मान के चलिए एक जनवरी 2020 को आपने 10,000 का गुड्स खरीदा, उस दिन रेट थी $1 = 70। अब मैं आपको डायरेक्ट कोड भी समझाऊंगा, इनडायरेक्ट कोड भी समझाऊंगा, बिड भी समझाऊंगा। आज की बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर यूएससीएमए पार्ट टू। $10,000 का सर गुड्स खरीदा, जिस दिन हम गुड्स खरीदे थे उस दिन ये रेट था $1 = 70। अभी मैंने केवल एक रेट लिया, मतलब अगर हमें $10,000 चाहिए तो हमें पहले बैंक के पास जाना पड़ेगा फॉरेन करेंसी को खरीदने के लिए, क्योंकि फॉरेन करेंसी हम हमारे घर में तो नहीं बनाते ना, हमारे पास तो अगर हम बिजनेस करते हैं तो इंडियन रुपीस होते हैं। तो $10,000 खरीदना है, यहाँ पे इंपोर्ट किया है तो $10,000 बैंक से खरीदेंगे और हमारे इंपोर्टर को क्या कर देंगे, दे देंगे। तो सर बैंक हमसे कितना लेगी, 10,000 × 70। चलो बच्चों 10,000 × 70 कीजिए कितना आता है, आइए 7 lakh rupees। तो आप क्या करेंगे, 7 lakh rupees देकर $10,000 खरीद लेंगे और अपने सप्लायर को वो $10,000 दे देंगे। तो ये तो हो गया सर इंपोर्ट, ठीक। तो अभी यहां पे मैंने एक सिंगल रेट ले रखा था और यहां पर मैंने $1 का रेट ले रखा था, $1 = 70। मैं एक दूसरा पेज और ले लेता हूं ताकि हम पेज पर आ सकें। तो पहले पेज में हमने यहां लिखा है कि सर $10,000 × 70 7 lakh का हमें पेमेंट करना है। अब अगर मान के चलिए बैंक ने ऐसा रेट कोट किया होता $1 = 70/71। अब दो रेट कोटेड है यहां पर, आप देख रहे हैं एक $1 = 70 and 71। तो आपको एक बात यह ध्यान रखनी होगी कि जब इस प्रकार के दो रेट कोटेड होते हैं ना तो उस दो रेट में एक रेट होता है बिड रेट, मैं बिड समझा रहा हूं आपको, और एक होता आस्क। सर बिड और आस्क क्या होता है, तो बिड और आस्क में स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजन होता है, तो मैं बिल्कुल लेमन टर्म में आपको समझाऊंगा। बिड का मतलब होता है बैंक बाइंग रेट, बैंक जिस रेट पर आप जिसको भी करेंसी बेचती है ना, तो बेचने के लिए बैंक आस्क रेट लेती है और खरीदने के लिए क्या करती है बैंक बिड रेट लेती है। मतलब अगर आपके पास फॉरेन करेंसी और आपको बैंक के पास जाना है, आप फॉरेन करेंसी इनको बेचने जाते हैं तो बैंक किस पे खरीदेगी, बिड पे। लेकिन अगर बैंक के पास करेंसी और बैंक को बेचना है तो बैंक किस पे बेचेगी, आस्क पे। तो हमेशा जो बिड रेट है आस्क रेट से क्या है ज्यादा होता है, अगर डायरेक्ट कोड, अभी डायरेक्ट कोड नहीं समझाया, स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजन होता है कि सर कौन सी जगह बिड लेना है कौन सी जगह आस्क लेना है। तो इतना ध्यान रखिए
कि बैंक अपनी फॉरेन करेंसी को एज ए स्टॉक ट्रीट करती है, इन्वेंटोरी। तो बैंक का सिंपल रूल है कि अगर वो करेंसी खरीदेगी ना तो सस्ता खरीदेगी। इसमें सस्ता क्या है, 70 रुपए देगी $1 के, लेकिन अगर बेचेगी ना तो महंगा बेचेगी। तो बैंक अगर बेचेगा तो 71 में क्या करेगा, सेल करेगा। तो अगर बैंक से आपको करेंसी खरीदना है तो बैंक यहां पे बेचने वाली है, तो बैंक किस पे बेचेगी, आस पे। और अगर बैंक यहां पे क्या कर रही है, आपको खरीदना, मतलब बैंक बेच रही है। अब अगर आपके पास करेंसी और आप बैंक को बेचना चाहते हैं तो बैंक क्या कर रही है, खरीद, तो बैंक कितने पे खरीदेगी, 70 पे। तो बैंक सस्ता खरीदती है और महंगा बेचती है। तो कस्टमर जो बैंक के पास जाता है वो महंगा खरीदता है और सस्ता बेचता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बिड और आस्क। तो बिड का मतलब होता है बैंक बाइंग रेट और आस्क का मतलब होता है बैंक सेलिंग रेट। सर हम अगर एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएं बेटा तो हमें तो सीएमए के एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करना। अगर आपसे पूछ लिया गया कि आपको $10,000 बाय करना है तो बाय आप कब करोगे, जब आप इंपोर्टर हो या एक्सपोर्टर हो। सर ऑब्वियस सी बात है इंपोर्टर है तो महंगा खरीदेंगे, तो महंगा कितने पे मिलेगा आपको, 10,000 × 71 मतलब 7,10,000 आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा 7,10,000 आप यहां पर। अगर आप एक्सपोर्टर होते, आपने यूएसए में माल बेचा होता, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में माल बेचा होता और लेट से आपको वहां से डॉलर मिल रहे होते, क्या होते, डॉलर मिल रहे होते, और सपोज लेट $10,000 आपको मिले, $10,000 आपको बैंक मिले हैं आपके कस्टमर से और रेट यही कोटेड है 70/71, ये $1 का रेट है $1 का। तो अब आप क्या करोगे, बैंक को ले जाकर करेंसी क्या कर दोगे बेटा, सेल कर दोगे। तो बैंक आपसे सस्ता खरीदेगा, मतलब 10,000 × 70, तो बैंक आपको 7,00,000 रुपए दे देगा। तो बिड का मतलब होता है बैंक बाइंग रेट, आस्क का मतलब होता है बैंक सेलिंग रेट। अब एक कॉन्सेप्ट हमने और समझना है जिसका नाम है डायरेक्ट कोड वर्सेस। अब क्या होता है, करेंसी है ना दो प्रकार से कोटेड होती है, एक होता है डायरेक्ट कोड और बेटा एक होता है इनडायरेक्ट कोड। उसको भी समझ लेते हैं, आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। सबसे पहले हम डायरेक्ट कोड को समझते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। डायरेक्ट कोड का मतलब होता है कि अगर फॉरेन कंट्री की करेंसी की एक यूनिट का रेट डोमेस्टिक करेंसी के सामने कोटेड हो, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट कोड। सर क्या बोला, फॉरेन करेंसी की एक यूनिट का रेट अगर डोमेस्टिक करेंसी के सामने कोटेड हो, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट कोड। एग्जाम्पल, आप बेटा इंडिया में है, आप इंडियन रेसिडेंट हैं और आपके सामने अगर फॉरेन करेंसी $1 = 70/71, तो ये रेट इंडिया में क्या है, इंडिया में क्या है ये रेट, ये बेटा डायरेक्ट कोड है। डायरेक्ट कोड क्यों है, क्योंकि यूएसडी जो है ना हमारे लिए क्या है, फॉरेन कंट्री, तो फॉरेन कंट्री की एक यूनिट का रेट अगर कोटेड हो, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट कोड। लेकिन अगर डोमेस्टिक करेंसी की एक यूनिट का रेट फॉरेन करेंसी के सामने कोटेड हो, डोमेस्टिक करेंसी की एक यूनिट का रेट, अगर यही रेट one INR = 0.20/0.25 लिखा होता, मतलब ₹1 का रेट लिखा होता, तो ₹1, one INR इज अ डोमेस्टिक करेंसी, अपने देश की एक करेंसी का रेट अगर कोटेड हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट। तो अगर यही रेट यूएसए में कोटेड होता, यूएसए अमेरिका में, तो बिकॉज अमेरिका के लिए INR क्या है, फॉरेन करेंसी, तो ये one INR = 0.2025 क्या हो जाता आपका, डायरेक्ट कोड। तो सर हम जहां पर देख रहे हैं, अगर हम यूएसए में $1 का रेट देख रहे हैं, यूएसए में होकर यूएसए के अमेरिकन पर्सन $1 के अकॉर्डिंग अगर इंडियन रुपीस का रेट देख रहे हैं तो वो इनडायरेक्ट है। लेकिन अगर यूएसए के पर्सन ₹1 में कितने डॉलर आते हैं वो देख रहे हैं तो वो क्या है, डायरेक्ट है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। आपको एक नटशेल याद रखना है,
बैंक से करेंसी खरीदने जाते हैं तो महंगी मिलती है, बेचने जाते हैं तो सस्ती पड़ती, मतलब बैंक सस्ता खरीदता है और महंगा बेचता। अगर इस गोल्डन रूल से आप फॉरेन एक्सचेंज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, 100% क्वेश्चन आपके क्या हैं, सही होंगे। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्चुअल वीडियो था जो कि आपको समझाने के लिए था। चलिए जब हम मेन करिकुलम की ओर चलेंगे तो और डिटेल में स्प्रेड्स वगैरह सारी चीजों को क्या है समझेंगे। चलिए गाइस।